सो स्टूडेंट्स, किसी भी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट या किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हमें टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जो है वो इसके सोल्यूशन को जितने भी हमारे पास एरर्स आ जाते हैं उनसे हम ताकि बच सकें। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये भी डेवलपर सोल्यूशन को फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट देन एनी एरर दैट सोल्यूशन में रिजल्ट फाइनेंशियल लॉस। हमने कोई भी जो है वो डेवलपमेंट की है उस फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए और हमने बगैर टेस्टिंग के जो है वो उसको आगे जो है वो सेंड कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, उसको क्या होगा, बगैर मैनेजमेंट जब उसको भी कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी उसके ऊपर, अगर उसमें कोई भी एरर आ जाता है तो फिर उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इट्स टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनी सोल्यूशन। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। आप उनके बुक में एक और एग्जाम्पल भी है, कार्ड इज ड्यूरेबल टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। एक तो है कार्ड जो है लॉन्च की गई है नहीं, अब उसको क्या करना है, उन्होंने चेक करना है, उन्होंने जो है वो कार पूरी डिज़ाइन कर लिया, उसका प्रॉब्लम जो है कार की वो पूरी सॉल्व कर लिया, अब उन्होंने उसको टेस्ट करना है अब लॉन्च करने से पहले। अब आप क्या करेंगे, इट इज़ यूजली टेस्टेड विद अ रोबोट ड्राइवर हु हिट द कार विद द वॉल। उन्होंने क्या किया है कि कार के अंदर एक रोबोट ड्राइवर को दिखाया और फिर अपने कार जो है वो स्टार्ट करके दीवार के साथ मार, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उसको सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह चेक करना था। अगर तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम सपोज एयर डैम के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल फंक्शनल, उनके बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी कार लॉन्च होने के लिए रेडी है। लेकिन अगर उनकी बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं होती, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फंक्शन जो है वो सही से नहीं हो रहे, तो उनके अंदर जो एरर्स आ जाते हैं वो इसी तरीके से उनको दोबारा से रिन्यू वगैरह कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा है, वैलिड टेस्ट डेटा, इनवैलिड टेस्ट डेटा, फाउंडेड टेस्ट डेटा वैल्यूज, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स एंड एब्सेंट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा, इट इज अ टेस्ट डेटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। इफ एन एल्गोरिथम इज सपोर्टेड टू टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 1 and 100 एज इनपुट, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज अ वैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा हमारे पास क्या होता है, यानी कि कोई भी दुरुस्त डेटा हम इंटर करते हैं अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए इनपुट के अंदर। जैसे कि हम अपने एल्गोरिथम में एक उन्होंने एग्जांपल दिए थे न्यूमेरिकल वैल्यूज बिटवीन 1 and 100, यानी कि हमने 1 and 100 के दरमियान में ही वैल्यू जो है वो अपनी इनपुट करनी है। हम वही वाली 1 और 100 के दरमियान में 53, 54 एनी नंबर जो है 1 और 100 के दरमियान में भी इंटर करके जो है वो अपने डाटा को टेस्ट करते हैं, अपने एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास उस कॉन्सेप्ट ठीक आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो एल्गोरिथम बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हमने वैलिड डेटा देखा। इनवैलिड टेस्ट डेटा, इट इज़ अ डाटा दैट डज नॉट कम्प्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। ऐसा इनवैलिड डेटा का मतलब है कि अगर हमने रेंज रखी है 100 to 100, तो हम अगर यहाँ से जो है वो आउट ऑफ 100, यानी कि 100 की जो है रेंज से बढ़ जाकर नंबर एंटर करते हैं 120, 100, तो यहाँ पर जो है वो अनवैलिड डेटा जो है वो हम इनवैलिड डेटा इंटर कर देंगे। तो अगर तो वो हमारे पास एल्गोरिथम उसका आंसर सही से दे देगा, ठीक है, तो अगर वो आंसर दे देता है तो फिर इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमें जो रेलिवेंट मैसेज है वो नोटिफाई होना चाहिए कि आप लोगों की रेंज 0 से लेकर 100 तक है, और वहीं तक तो हमारा जो है वो आंसर भी आना चाहिए था। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज। अ सॉल्यूशन दैट इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट एज वाला वेरी ह्यूज अमाउंट। जैसे कि हमने कोई भी बाउंड्री सेट की है जैसे 0 से लेकर 100 तक, अगर जो हमारा आंसर जो है वो 0 और 100 के दरमियान तक आ जाता है, 0 से लेकर 100 की तक की वैल्यूज हम उसके अंदर एंटर करते हैं और हमारा आंसर उनको ठीक आ जाता है। और अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि उसकी बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर देते हैं 150 या 100 तक, तो हमारा आंसर तब ठीक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे जो वैल्यू है नहीं बना रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। इज वाइज टू चेक हाउ द सॉल्यूशन रिएक्ट ऑन इंटरिंग डेटा इन एन ऑपोजिट फॉर्मेट, यानी कि अगर हमारा डेटा एंटर करने का फॉर्मेट गलत होगा तब हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम का आंसर गलत आएगा। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर 2+3 एंटर करना है और उसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास 5 आना चाहिए, लेकिन आप लोग जो है वो एंटर करते हैं +2+3, आप लोगों का रॉन्ग फॉर्मेट है जिसकी वजह से आप लोगों का आंसर जो है वो एल्गोरिथम में गलत है।
absent data. It is also important to investigate that the solution still works if less number of input are given than expected. मीन्स कि एबसेंट डेटा का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई भी डाटा एंटर करना है 2 + 3 + 5, ठीक है, 3 वैल्यूज़ को आप लोगों ने ऐड करना है, 3 वैल्यूज़ को जब आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो आंसर आना चाहिए 10। लेकिन अगर आप लोग जो है वो एक डाटा को यानी कि एक वैल्यू को जो है वो स्किप कर जाते हैं, 2 + 3 + यहाँ तक छोड़ते हैं कैलकुलेटर के अंदर अपने, तो आप लोगों का जो है वो आंसर गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास वो सेंटेंस एरर दे देगा, आप लोगों के पास कहते कहते हुए आप लोगों ने तो वैल्यू जो है वो एंटर ही नहीं किया था, तो आप लोगों के इस तरह आपका कोई मैसेज यानी कि नोटिफाई हो जाता है, तो उसका मतलब है कि आप लोगों का एल्गोरिथम अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उस पर भी आप लोगों को कोई आंसर देता है यानी कि एब्सेंट डेटा की मौजूदगी में भी आप लोगों को वो कोई भी आंसर जो है वो दे देता है, तो उसका मतलब है कि आप लोगों का एल्गोरिथम गलत। तो स्टूडेंट्स।